महाराजगंज में भगवान बुद्ध के इतिहास और बौद्ध स्थल के बारे में हमारी परिचर्चा का दूसरा अंक आपके सामने है, और जिसमें हम बात करेंगे महाराजगंज जनपद के दूसरे बौद्ध स्थल की। पहले बौद्ध स्थल के बारे में आपने देवदह के बारे में जाना, और उसमें भगवान बुद्ध का ननिहाल कहा जाता है, क्या क्या इतिहास रहा इसके बारे में आपको बताया गया। इस अंक में हम ये जानेंगे कि महाराजगंज जनपद का जो राम ग्राम है उसकी क्या कहानी है, और राम ग्राम किस लिए माना जाता है, किस लिए जाना जाता है, और उसके बारे में लोगों की अपनी क्या धारणाएं हैं, और कैसे रामग्राम अलग अलग नामों से प्रचलित हुआ उसके पूरे इतिहास के बारे में। सर, रामग्राम के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, और आप उसके बारे में बताइए कि क्या है और कैसे आपको पता चला। रामग्राम तक पहुंचना भी एक घटना से संदर्भित है। ये बात है 1995 के आसपास की। उस समय उन्मेष के संरक्षक मंडल का मैं गठन कर रहा था, और उसी संदर्भ में चौक की तरफ मैं गया था एक सज्जन से भेंट करने के लिए। आते समय बूंदाबांदी होने लगी, तो वहीं चौक में जो गोरक्षनाथ जी का मंदिर है उसके पोर्टिको में हम लोग खड़े हो गए। उस पोर्टिको के जस्ट बगल में उस समय एक कपैल का मकान था, और उसी में जो चौक है वहाँ का डाकखाना था। जिस समय हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ के जो डाकिया हैं रामलखन पटेल जी, वो बाहर ही खड़े हुए हैं, लंबे से थे, और उनसे हमारी बात होने लगी। चूँकि देवता और रामग्राम के बारे में हमारा रिसर्च वर्क चल रहा था, तो मैंने स्वाभाविक ही उनसे पूछा कि आप चारों ओर जाते रहते हैं, कहीं पर किसी खंडहर को आपने देखा है क्या? तो इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा है गुरुजी, मैंने खंडहर को तो नहीं देखा है, लेकिन हमारे संज्ञान में एक प्रकरण आया है, कुछ लोग एक स्थान पर गए थे जो कि खोह टाइप की है, और ऐसा उनको पता चला कि यहाँ पर कुछ धन गड़ा हुआ है, उसी को निकालने के लिए। और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उनको एक नाग ने दौड़ाया, और जब यह बात उन्होंने कही कि उनको एक नाग ने दौड़ाया और उस संपत्ति की उन्होंने रक्षा की इस तरह से, तो हमारे कान खड़े हुए। इसलिए कि रामग्राम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसकी रक्षा जो है नाग करते हैं। और जब हमको ये पता चला तो फिर हमने रामलखन जी से कहा कि क्या आप हमको वहाँ पर ले चल सकते हैं, तो बोले कि हाँ बिल्कुल ले चल सकते हैं। तो उस समय हमारे पास दो मोटरसाइकिलें थी, एक पर वो बैठे एक पर हम बैठे, और 7 किलोमीटर का चक्कर लगा करके हम उस स्थान पर पहुँचे। तो जिसको वो खोह कह रहे थे, वास्तव में वो गर्भगृह का स्थल था, और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैं देख करके दंग रह गया। एक विशाल टीला जो कि ईंटों का बना हुआ था, और उसके ऊपर बहुत सारे झाड़ झंखार लगे हुए थे। उस टीले के बगल में एक पोखरणी भी थी, और उसके सामने कुछ और भी टीले थे। ये चीज़ें मैंने देखी। अपने रिसर्च वर्क के दौरान हमको ये पता चला था कि रामग्राम पर जो है युआंग चुआंग, जिसको हेनसांग कहते हैं, वो आया था, और वहाँ पर उसने ईंट का बना हुआ एक टीला देखा था। उसके आगे कुछ श्रामनेर बिहार के खंडहर थे जिसको हम मोनेस्ट्री कहते हैं, और उस रामग्राम के टीले के बगल में एक पुष्करणी है, और ऐसा कहते हैं कि जो कोलिये थे उस पुष्करणी से ही उनका राज्याभिषेक किया जाता था, यानी कि वो बहुत ही पवित्र पुष्करणी मानी जाती थी। तो वहाँ पर जब मैं गया तो मैंने ये सारी चीज़ें देखी। ईंटों का वो विशाल स्तूप हमने देखा, हालांकि वो पूरा जो है उस समय झाड़ी झंखाड़ से और पेड़ों से जो है ढका हुआ था। उसके आगे दो टीले भी हमने देखे जो कि निश्चित ही मोनेस्ट्री के खंडहर थे, और बगल में हमने वो पुष्करणी भी देखी जो कि महत्वपूर्ण पुष्करणी थी। और जब ये सारी चीज़ें देखी तो वहाँ से हमको एक ईंटा मिला जो कि कुषाणकालीन था, हमने उसको लिया और मैं सीधे वापस आ गया। और इस तरह से मैं रामग्राम के उस स्थान पर पहुंचा।
और यहाँ आने के बाद फिर हमारी जब गतिविधियाँ शुरू हुई और देशादूरी और सारे जो अन्य प्रमाण हो सकते थे राम ग्राम के बारे में, जब उसका हमने अवगाहन किया तो पता चला कि वास्तव में हम राम ग्राम के टीले पर पहुँचे थे। और जैसे ही ये हमको पता चला कि ये राम ग्राम का स्तूप है, तो फिर तमाम चीज़ें और तमाम अध्ययन उसके बारे में हमने करने प्रारंभ किए। तो ये है एक प्रकरण था जिस तरह से मैं राम ग्राम के उस स्तूप पर पहुंचा था। ऐसा कहते हैं कि जिस समय भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी वह कुशीनगर में हुई थी, उस समय उनके अस्थि अवशेष लेने के लिए उनके तमाम जो शिष्य थे आसपास के जो गणराज्यों के राजागण थे वे वहाँ पर पहुँचे थे। और एक स्थिति ऐसी पैदा हो गई जब उनमें आपस में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि सभी अपनी सेना के साथ वहाँ पर गए हुए थे। और जब विवाद की स्थिति पैदा हुई तो एक सुबुद्ध ब्राह्मण वहाँ पे आया और उसने कहा कि आप भगवान गौतम बुद्ध जो कि शांति के अनुयायी थे, इनके अस्थि अवशेष के लिए आप संघर्ष मत कीजिए, हम इसको 8 हिस्सों में बांट देते हैं। और इस तरह से सबको एक एक उसका हिस्सा मिला और सभी हाथियों पर उस अस्थि अवशेष को लेकर गाजे बाजे के साथ अपनी अपनी राजधानियों में गए। उस समय जो कोलीय जनपद था उसके जो मुखिया थे उनका नाम था महाकाल, और उनको भी एक हिस्सा मिला इसका, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध के ननिहाल पक्ष से ये थे तो एक हिस्सा इनको मिला। और इसको भी लेकर के वो राम ग्राम पहुँचे। और जो नगर था उससे कुछ दूर वन के अंदर उन्होंने एक स्तूप की स्थापना की उन्हीं अस्थि अवशेषों के ऊपर। प्रारंभ में ये मिट्टी का ही बनाया गया होगा, लेकिन कुषाण काल में इसको ईंटों का बनाया गया। और लेकिन बाद में कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि वो वनों के अंदर जो है वो विलीन हो गया और केवल रामग्राम के बारे में लोगों को बाहर रूप से ही जानकारी थी, रामग्राम कहाँ है इस बात की जानकारी लोगों को नहीं थी। लगभग 2000 वर्ष तक रामग्राम जंगल के भीतर ही जो है वो विलीन दिखाई दिया। और जो प्रकरण अभी हमने आपको पहले बताया कि किस तरह से मैं वहाँ पर पहुँचा और जंगल के भीतर वो राम लखन पटेल हमको लेकर के गए, तो इस तरह से रामग्राम का वो स्तूप जो है वो हमारी संज्ञान में आया। और ये संज्ञान आने के बाद फिर हमने उसको लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया। और 1998 में जब हमारी पुस्तक जनपद महाराज गंज के बौद्ध स्थल निकली तो उसमें हमने एक चैप्टर रामग्राम के बारे में दिया और रामग्राम का पूरा इतिहास और किस तरह से मैं वहाँ पर पहुँचा और वहाँ पर वर्तमान में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमने उस पुस्तक में बताने का प्रयास किया। तब से लेकर के और अब तक जितने भी यहाँ पर जिलाधिकारी आए, मैं जब वो आते तो मैं उनसे मिलता और रामग्राम के बारे में उनको बताता, लेकिन इन जिलाधिकारियों में अधिकांश ने उनके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन वर्तमान जिलाधिकारी जो सत्येंद्र कुमार जी हैं, जब वो यहाँ पर आए और जब इस संदर्भ में मैं उनसे मिला और हमने तमाम अपनी सारी चीज़ों से उनको अवगत कराया तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा और उन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ इसके ऊपर काम करना शुरू किया। इसके पहले भी जो क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी थे नरसिंह त्यागी जी, वो वहाँ पर जा चुके थे और सारनाथ के भी कुछ अधिकारी वहाँ पर गए थे और ये सारी चीज़ें जो हैं वह चर्चा में आ गई थी, पहले से ही आ गई थी। तो जिलाधिकारी महोदय ने हमारी बातों को संज्ञान में लेते हुए जब वो वहाँ पर गए और उनको सारी चीज़ें दिखाई दी तो उनका ऐसा लगा कि ये रामग्राम का ही स्थान है। और इसके बाद उन्होंने तेज़ी के साथ काम करना शुरू किया और नहर से लेकर के और उस स्तूप तक मनरेगा के माध्यम से उन्होंने एक मार्ग का निर्माण करवाया। और जब स्थितियां आगे बढ़ी तो यहाँ के जो अपने वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी जी, वो उनसे भी मैं मिला और उनसे सारी बातें हमने कही तो वो भी काफ़ी सक्रिय हुए। और सक्रिय होने के बाद उन्होंने संसद में भी इस प्रश्न को उठाया और बाद में उन्होंने इस ये उजागर हो इसके लिए काफ़ी प्रयास किए।
सबके प्रयासों का परिणाम ये हुआ कि जो राज्य पुरातत्व विभाग है और जो केंद्र का एएसआई है, दोनों ही सक्रिय हुए और सक्रिय होने के पश्चात दोनों की टीमें वहाँ पर पहुँची, उसका सर्वेक्षण किया गया और इस सर्वेक्षण से ऐसा लगा कि वास्तव में ये राम ग्राम का ही स्थल है दिशा और दूरी के हिसाब से। और जब ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई तो उसका उत्खनन हो, इस तरह का प्रयास होना प्रारंभ हुआ। अभी कुछ दिन पहले पहली नवंबर को वहाँ पर केंद्रीय जो एएसआई का ग्रुप है वो वहाँ पर पहुँचा और पहुँचने के बाद जो रामग्राम का स्तूप था उसका 10x10 का एक हिस्सा उन्होंने चिन्हित किया उत्खनन के लिए। शीघ्र ही ये उत्खनन कार्य होगा और जो महानिदेशक हैं एएसआई के, इस संदर्भ में उनसे वार्ता चल रही है और ऐसा लगता है कि दिसंबर के प्रारंभ से ये उत्खनन कार्य प्रारंभ हो जाए। ये महत्वपूर्ण जगह महाराजगंज जनपद के चौक क्षेत्र में है, इसके बारे में स्टोरी भी हमने पब्लिश की है। वीडियो के अगले पार्ट में महाराजगंज जनपद के अन्य बौद्ध स्थलों के बारे में भी हम सबसे जानेंगे और विचार करना है महाराजगंज जनपद वासियों को कि ऐसे बौद्ध क्षेत्र आपके क्षेत्र में होते हुए भी आखिर में यह उपेक्षा का शिकार क्यों है। इस तक लोगों को पहुंचना चाहिए, पहले स्थानीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे और बाहर से भी पर्यटक यहां तक आ सके। वीडियो के अगले अंक में हम महाराजगंज के अन्य बौद्ध स्थलों के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि महाराजगंज का पूरा क्षेत्र बौद्ध स्थल के किन किन चीज़ों के लिए प्रचलित है। आप जुड़े रहे हैं हमारे साथ।